खबर संभल से है, जहां संभल में शाही जामा मस्जिद को हरियर मंदिर होने का दावा करने के मामले में 29 नवंबर यानी कि आज सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की कोर्ट में पहली सुनवाई होगी। इसी दिन सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि इस मामले में 19 नवंबर को 8 वादकारियों ने 6 लोगों के खिलाफ दावा दायर किया था, जिसमें शाही जामा मस्जिद को हरियर मंदिर बनाने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने उस दिन कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव को सर्वे करने के आदेश दिए थे। इसके बाद 22 नवंबर को सुरक्षा के बीच दूसरी बार सर्वे किया गया, जिसमें तनाव बढ़ने के कारण 5 लोगों की जान चली गई। इस घटना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 29 नवंबर को यानी कि आज होने वाली सुनवाई के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला न्यायालय से लेकर आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। आपको बताते चले कि इस विवाद के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या असहमति से बचा जा सके।